हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल के एक और नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाला हूँ स्ट्रेटस 3000 किट का। तो ये जो किट है ये आपको मिल जाएगी ivape.in पे तकरीबन 3300 रुपीस की। इसके साथ में आपको 5 ई लिक्विड्स भी मिल जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी अनबॉक्सिंग और उसी के साथ आपको बता देता हूँ कि इसकी कॉइल को आपको किस तरह से प्राइम करना है और इसके अंदर लिक्विड को किस तरह से फिलअप करना है। तो अगर सामने की तरफ देखा जाए तो यहाँ पर हमें मिल जाती है ivape.in की ब्रांडिंग, उसी के साथ नीचे हमें मिल जाती है हमारे वेपराइजर की फोटो और उसी के साथ में मिल जाता है हमें मॉडल नेम। उसके साथ अगर सबसे नीचे की तरफ देखा जाए तो यहाँ पर लिखा हुआ है डिजाइन फॉर क्लाउड वेपर्स। उसी के साथ में साइड में देखा जाए तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप इस वेप किट में सिर्फ ivape के ही लिक्विड्स को यूज करें। उसी के साथ टॉप और बॉटम पे दोनों ही जगह पर हमें मिल जाती है ivape की ब्रांडिंग। उसी के साथ पीछे की तरफ देखा जाए तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, अगर आप इन्हें पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। उसी के साथ नीचे लिखा हुआ है इस बॉक्स कंटेंट, जो कि है एक 3000 mAh की बैटरी, उसी के साथ एक सबोम टैंक, थर्ड है चार्जर, सिलिकॉन रिंग और एक यूज़र मैनुअल। उसी के साथ में आपको एक बार कोड मिल जाता है जिसे स्कैन करके आप देख सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट बिल्कुल जेन्युइन है या नहीं। तो चलिए आप इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। तो अनबॉक्स करना इसको बहुत ही ईजी है, केवल स्लाइड करके ओपन हो जाता है और उसके बाद बॉक्स में आपको सबसे ऊपर देखने के लिए मिल जाता है आपकी बैटरी और उसी के साथ में आपका टैंक। तो ये काफ़ी अच्छे से इसके अंदर फिटेड है, इसके अंदर कुछ भी टूटने का आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ये बॉक्स काफ़ी अच्छा है। फिलहाल इसे साइड में रखते हैं और इस छोटे से फ्लैप को यूज़ करके हम इसको भी रिमूव कर लेते हैं। अगर उसी के साथ अंदर की तरफ देखा जाए तो यहाँ पर हमें मिल जाती है एक सिलिकॉन रिंग, उसी के साथ में हमें मिल जाता है एक चार्जिंग केबल और उसी के साथ में हमें मिल जाती है एक यूज़र गाइड। उसके अलावा बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं है। इस पैकेज के साथ आपको मिल जाते हैं 5 इलेक्ट्रॉनिक फ्लेवर्स जिनको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं आईवेप के फ्लेवर, आप चाहें तो स्मोका के भी ले सकते हैं। आईवेप के फ्लेवर्स में आपको नो निकोटीन, नो टार और नो कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेंगे। उसी के साथ ये जो 5 फ्लेवर हैं ये आपको लगभग लास्ट करेंगे 2 से 3 महीने तक। मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा इनके रिव्यू की। तब तक चलिए अब हम बात करते हैं और प्रोडक्ट्स की जो कि हमें इस बॉक्स के साथ में मिल जाते हैं। तो अगर बात करी जाए हमारे पहले बॉक्स कंटेंट की तो ये है हमारी 3000 mAh की बैटरी। अगर इसे देखा जाए तो यहाँ सामने की तरफ हमें मिल जाता है इसमें एक पावर बटन, उसी के साथ पीछे की तरफ देखा जाए तो यहाँ पर हमें मिल जाता है एक चार्जिंग पोर्ट, जो इसमें आप किसी भी एंड्रॉयड चार्जर को यूज़ कर सकते हैं जिसका आउटपुट 5 volts और 1 ampere का हो। उसी के साथ में अगर नीचे की तरफ देखा जाए तो यहाँ पर ivape.in की आपको ब्रांडिंग मिल जाती है। अगर बिल्ट क्वालिटी की बात करी जाए तो इसकी बिल्ट क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, पूरा स्टेनलेस स्टील में बना हुआ है। अगर उसी के साथ नीचे की तरफ देखा जाए तो यहाँ पर हमें मिल जाता है ivape का लोगो और उसी के साथ मिल जाता है एक बैटरी वेंट होल। उसी के साथ अगर सामने की तरफ देखा जाए तो यहाँ पर हमें ब्रांडिंग मिल जाती है स्ट्रेटस 3000 की और ऊपर की तरफ हमें मिल जाता है फुली स्प्रिंग लोडेड 510 कनेक्टर। चलिए अब बात करते हैं हम अपने दूसरे प्रोडक्ट की जो कि है हमारा टैंक। तो ये जो टैंक है इसकी भी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, बस यहाँ पर जो एक चीज़ मुझे पसंद नहीं आई वो है इसमें जो ग्लास है, ये जो ग्लास है ये इजीली ब्रेक हो सकता है अगर आप इसे गिरा दें, लेकिन उसके लिए आप एक रबर की रिंग यूज़ कर सकते हैं इसे प्रोटेक्ट करने के लिए। इसका जो एयर इनटेक है वो भी बहुत अच्छा है। उसी के साथ ऊपर ये जो ड्रिप टिप है इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, ये अंदर से इसमें प्लास्टिक दी गई है ताकि अगर आप इसको वेप करें तो ये ज़्यादा हीटअप ना हो। उसी के साथ यहाँ पर कुछ ओरिंग्स भी लगी हुई है जिसकी वजह से आपका जो इलेक्ट्रॉनिक जूस है वो स्पिल करके बाहर नहीं आएगा। उसी के साथ अगर नीचे की तरफ देखा जाए तो ये है वो कनेक्टर जिसको आपको स्क्रू करना है डायरेक्टली अपनी बैटरी के ऊपर और उसी के साथ नीचे जो आप ये होल देख पा रहे हैं ये है इसका एयर इनटेक। सामने की तरफ यहाँ पर अभी आपको मिल जाती है स्ट्रेटस 3000 की ब्रांडिंग और उसी के साथ अगर इसके जस्ट पीछे की तरफ देखा जाए तो यहाँ पर भी आपको मिल जाती है ivape.in की ब्रांडिंग। तो ओवरऑल इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत सही है। चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसे हमें किस तरह से बैटरी के ऊपर स्क्रू करना है। तो बैटरी के ऊपर स्क्रू करने के लिए आप बैटरी पोर्शन को ले लीजिए और उसी के साथ अपने टैंक को लेकर दोनों को आमने सामने रखकर सीधा क्लॉकवाइज इसको रोटेट करिए। आपको ये ज़रूर ध्यान में रखना है कि आप इसे तब तक रोटेट करें जब तक ये बिल्कुल टाइटली फिटअप ना हो जाए। टाइटली फिट होने के बाद ये जो कि आप बटन देख पा रहे हैं आपको इसको जल्दी से 5 बार क्लिक करना है। 5 बार क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक लाइट फ्लैश होगी जिसका मतलब है कि अब आप इसे यूज कर सकते हैं। इसे आप यूज करने के लिए आप बटन को प्रेस करे रखिए और आप उसके बाद ड्रैग ले सकते हैं।
तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने अगले बॉक्स कंटेंट की। तो ये है हमारा चार्जिंग केबल। ये जो चार्जिंग केबल है इसकी बिल्ड क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप अपने एंड्रॉयड चार्जर की केबल को यूज़ करें। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इसे हमें किस तरह से इनपुट करना है। ये जो पीछे आप होल देख पा रहे हैं इसके अंदर आपको डायरेक्टली इस पिन को लगा देना है, और इस पिन को डायरेक्टली टाइटली जब आप इसके अंदर फिटअप कर देंगे तो उसके बाद आप इसको लगा सकते हैं किसी भी 1 एम्प के चार्जर में, और उसके बाद अपने वेप को चार्ज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं अपने दूसरे प्रोडक्ट की। तो ये है हमारी सिलिकॉन रिंग। ये जो सिलिकॉन रिंग है इसे हम यूज़ करते हैं एयर फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस एयर फ्लो रिंग को आपको किस तरह से लगाना है। ये जो कि आप होल देख रहे हैं इसके ऊपर हमें इसको लगा देना है, तो इसको आप थोड़ा सा एक्सटेंड करके डायरेक्टली आप इसको अपने वेप के ऊपर लगा सकते हैं। ये जो एयर फ्लो रिंग है ये आपके जो ग्लास टैंक है इसको भी टूटने से बचा सकती है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस एयर फ्लो रिंग को कभी भी ना निकालें। तो अभी आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर जो अभी हमारा जो एयर फ्लो है ये टोटली ब्लॉक हो चुका है। इसी रिंग को अब हम थोड़ा सा रोटेट करेंगे और उसके बाद या तो हाफ या फुली हम इस एयर फ्लो को ओपन कर सकते हैं। अगला और लास्ट बॉक्स कंटेंट है हमारा यूज़र मैनुअल। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप इस यूज़र मैनुअल को पूरा पढ़ लें। यहाँ पर आपको मिल जाती है बैटरी इंडिकेटर, जिस हिसाब से आपकी लाइट फ्लैश करेगी उसके हिसाब से आप चेक कर सकते हैं कि आपकी कितनी बैटरी बची हुई है। उसी के साथ यहाँ पर आपको कुछ वारंटी के बारे में भी पता चल जाएगा। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप इसे ज़रूर से पढ़ लें। तो चलिए अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हमें किस तरह से इसकी कॉइल को प्राइम करना है। वैसे गाइस मैं एक बार इसको पहले से प्राइम कर चुका हूँ। तो सबसे पहले हमें बैक वाले पैनल को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके इसे हमें ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये है इसकी कॉइल। सबसे पहले हम टैंक को अलग रखते हैं और उसके बाद मैं आपको कॉइल को ढंग से दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जो इसकी कॉइल है ये अभी लिक्विड के अंदर बहुत ज़्यादा वेट हो चुकी है, तो हम इसको भी अनस्क्रू करके इसमें से निकाल लेते हैं। इसे भी हमें एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है और उसके बाद ही अनस्क्रू हो जाएगा। तो चलिए एक बार मैं पहले इसको क्लीन कर लेता हूँ। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको आईवेप की ब्रांडिंग मिल जाती है, और उसी के साथ में यहाँ पर लिखा मिल जाता है कि ये 30 वॉट्स to 80 वॉट पर वर्क करेगा, और उसी के साथ में ये 0.5 ओम्स की कॉइल है। अगर ये 0.3 ओम्स की कॉइल होती तो इसका क्लाउड वेपर और भी ज़्यादा होता। तो चलिए अब मैं आपको फाइनली दिखाता हूँ कि हमें इसे किस तरह से प्राइम करना है। तो कॉइल को प्राइम करने के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ आईवेप का बनाना बबल गम फ्लेवर। तो चलिए सबसे पहले इसको हम ओपन कर लेते हैं और उसके बाद कॉइल को ले लेते हैं। कॉइल को ले लेने के बाद यहाँ पर आपको कुछ होल्स मिल जाएंगे। आपको इन होल्स के ऊपर कुछ ड्रॉप डालनी है अपने इलेक्ट्रॉनिक जूस की। तो अभी मैं इसको एक बार पहले प्राइम कर चुका हूँ इसलिए आपको ये कॉटन पहले से ही एब्जॉर्ब मिल रही है, लेकिन जब आप स्टार्टिंग में इसे पहली बार करेंगे तो ये आपके इलेक्ट्रॉनिक जूस को बहुत ही जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेगी। तो आपको इस टाइप के कम से कम 4 से 5 राउंड करने होंगे। उसके बाद आप इस कॉइल को टर्न कर सकते हैं। यहाँ ऊपर की तरफ आपको एक नेट टाइप का मटेरियल मिल जाएगा, आपको उसके ऊपर भी कुछ ड्रॉप इलेक्ट्रॉनिक जूस की डाल देनी है, और उसके बाद गाइस आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ढंग से प्राइम करने के बाद हमें लास्ट में इस कॉइल को वापस से इसके बेस में स्क्रू कर देना है। इसके बेस में स्क्रू करते समय हमें एक चीज़ का ध्यान अच्छे से रखना होगा कि हम इसे बिल्कुल ढंग से स्क्रू कर रहे हैं, नहीं तो हमें कुछ लीक्स मिल सकते हैं। तो इसको स्क्रू करने के लिए हमें इसे बिल्कुल क्लॉकवाइज को रोटेट कर देना है। जैसा कि अब आप देख सकते हैं ढंग से स्क्रू हो चुका है, तो अब हम इसे वापस से टैंक के अंदर लगा लेंगे। तो ये जो टैंक है इसको आप टॉप फिल या बॉटम फिल दोनों तरफ से इसके अंदर लिक्विड फिल कर सकते हैं। मैं इसे टॉप से फिल करूंगा। तो चलिए मैं फिर से कॉइल को लगा लेता हूँ। तो इस कॉइल हेड को लगाने के लिए आप फिर से इसे क्लॉकवाइज रोटेट करें और ढंग से टाइट कर लें। इसके बाद अब हमें इस टॉप को ओपन करना है और वहाँ से हम इसमें फ्लेवर फिलअप कर सकते हैं। तो इस टॉप को ओपन करने से पहले एक बार आप इसे क्लीन कर लें, नहीं तो ये आपके हाथ से बहुत ज़्यादा फिसलेगा। तो इसके टॉप को रिमूव करना काफ़ी इजी है। आपको इसे केवल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना है और ये ऑटोमेटिकली ही पॉपअप करके बाहर आ जाएगा। तो अभी भी इसके ऊपर से कुछ ड्रॉप्स निकल रही हैं इलेक्ट्रॉनिक जूस की, तो चलिए मैं पहले इसको क्लीन कर लेता हूँ। तो उसके बाद यहाँ पर आप ये दो होल देख पा रहे होंगे जो कि सी जैसे हैं। इसके अंदर से आपको इलेक्ट्रॉनिक जूस भरना है उस बीच वाले
होल में आपको फ्लेवर नहीं डालना है, नहीं तो आपको कुछ स्पिल्स मिल सकती हैं फ्लेवर की। तो ये जो टैंक है ये 5.5 ml का है, इसकी कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है, तो मैं इसको ज़्यादा अभी फिलअप नहीं करता हूँ। मैं इसको थोड़ा बहुत फिलअप कर लिया है, तो चलिए मैं फिर से इसका जो कैप है उसको वापस से स्क्रू कर देता हूँ। स्क्रू करने का सेम प्रोसेस है, बस आपको अब इसे क्लॉकवाइज रोटेट करना है और उसके बाद लास्ट में जो ड्रिप टिप है उसको वापस से हम इसे लगा देंगे। अब आप डायरेक्टली ही इसे अपने मॉड के ऊपर लगा करके यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आप लोगों को इसका स्मोक प्रोडक्शन दिखा देता हूं और उसी के साथ इसके कुछ प्रोज और कॉन्स बता देता हूं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके स्मोक प्रोडक्शन की। तो इसको यूज करने के लिए सबसे पहले हमें बटन को प्रेस करे रखना है जब तक हम इसका ड्रैग लेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका स्मोक प्रोडक्शन कितना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसका स्मोक प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा है, उसी के साथ में जो इसका फ्लेवर है वो भी बहुत ही अच्छे से निखर के आ रहा है। अभी मैं यूज कर रहा हूँ बनाना बबल गम, तो इसका एसेंस मुझे बहुत ही अच्छा मिल रहा है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ प्रोज और कुछ कॉन्स की। तो इसका प्रो सबसे पहले ये है कि इसका स्मोक प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा है। दूसरा प्रो इसका ये है कि कॉम्पैक्ट है और इसको आप कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं। उसी के साथ में इसकी जो बैटरी है वो आपको मिल जाती है 3000 mAh की। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ इसके कुछ कौन। तो टैंक है, ये बना हुआ है पेरेक्स ग्लास का जो कि एक बार गिरते के साथ ही टूट सकता है। उसी के साथ में इसका फ्लेवर कंसेप्शन भी बहुत ज्यादा है। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।